नमस्कार। एक कहानी है जिसमें कहानी सिद्ध करती है कि जो लोग भगवान पर विश्वास करते हैं, भगवान किसी न किसी रूप में उसकी मदद करता है। एक सेठ था जो काफ़ी पैसे वाला था, दिन भर काम करता था, लेकिन उसकी समस्या यह थी रात को उसको नींद नहीं आती थी। एक दिन उसने अपनी जेब में कुछ पैसे निकाले और गाड़ी निकाली और घूमता घूमता पास के मंदिर में जाके बैठ गया। वहाँ उसने थोड़ी देर में देखा कि एक व्यक्ति रो रहा है, गरीब व्यक्ति था। उसने सेठ ने उससे पूछा कि तुम इतनी रात को यहाँ काहे के लिए आए। उसने कहा मेरी लड़की है, हॉस्पिटल में एडमिट है, अगर सुबह तक उसका इलाज ना हुआ तो वो मर जाएगी। सेठ ने मन मन में सोचा कि मैं दिन भर इतना कमाता हूँ और फिर भगवान के मंदिर में भी जाता है और एक गरीब व्यक्ति व्यक्ति है जो अपने बच्चे की वो मंदिर में आया। सेठ को उस पर दया आया कि सेठ ने अपनी जेब में हाथ डाला, जितने भी पैसे उसके पास थे उस व्यक्ति को दे दिए और उसको एक कार्ड देने की कोशिश कहा कि तेरे को जो भी जरूरत हो तो आप मेरे से सेवा ले लेना। उस व्यक्ति ने पैसे लेकर खुश हुआ लेकिन कार्ड लेने से ना कर दिया। उसने कहा कि मेरे पास उस ऊपर वाले का कार्ड है, उसका पता है, जिसने आपको मेरी मदद करने के लिए यहाँ भेजा, इसलिए मुझे आपके इस कार्ड की कोई ज़रूरत नहीं है। वो सेठ उस दिन बड़े सुकून के साथ सोया। कहानी ये कहती है अगर आपको भगवान पर विश्वास है और वो किसी न किसी रूप में आपकी मदद जरूर करता है, और जब आप किसी गरीब लोगों की मदद करते हैं, तो ऐसा काम करते हैं, तो आपको भी सुकून होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको अच्छी लगेगी। नमस्कार।